दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय कॉइनस्विच कुबेर। डाउनलोड द ऐप नाउ। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करना आखिर फ्लेक्सिबल कितना है? आपके पैसे हैं, जब चाहो आपके पास, जब आप चाहो बिटकॉइन में, 24/7। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। सिंपल, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिकर। वन, टू एंड थ्री। आप कहेंगे कि मैं गिनती पढ़ रहा हूं। मैं कहूंगा गिनती नहीं, ये संख्याएं एक देश की नीति का उपसर्ग हैं। कैसी नीति? बच्चों की पैदाइश से जुड़ी। एक कपल कितनी संतान पैदा कर सकता है? दुनिया के अधिकतर देशों में ये तय करने का अधिकार स्त्री और पुरुष के पास है। ये उनकी आपसी सहमति की बात है। ज्यादातर देश मानते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये समझ की बात है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। वहां सरकार ये तय करती है कि आप कितने बच्चे पैदा करेंगे। इसे व्यक्ति की निजी जिंदगी पर अतिक्रमण की तरह भी देखा जा सकता है। एक समय सरकार को लगा कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए एक बच्चे की लिमिट लागू कर दो। जब इकोनॉमी पर आंच आए तो लिमिट बढ़ा दो और तब तक बढ़ाते रहो जब तक कि मन माफिक नतीजा न मिल जाए। कुल मिलाकर बात पैसे पर अटक जाती है। इस मुद्दे पर बड़ी बहस हो सकती है कि क्या सरकार को बच्चों की पैदाइश पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके पक्ष और विपक्ष में तमाम तर्क पेश किए जा सकते हैं, वो चर्चा फिर कभी। आज हमारा फोकस चीन पर रहेगा। चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी क्या थी, कैसे ये नीति चीन के लोगों के लिए अभिशाप बन गई, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसे उठाना पड़ा और आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, सब जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप दुनियादारी देख रहे हैं। सबसे पहले बात हिस्ट्री की। साल था 1949 का, महीना अक्टूबर का और दिन पहला। बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर में लाखों लोग इकट्ठा थे। उस भीड़ के सामने खड़े होकर माओ त्से-तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना का ऐलान किया। आधुनिक चीन की नींव पड़ चुकी थी। सत्ता की चाबी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में आई, ठीक ठीक कहें तो माओ के चंगुल में। पार्टी में उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता था। माओ का मानना था कि जितने ज्यादा लोग होंगे हमारी ताकत उतनी ज्यादा बढ़ेगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। माओ के दिमाग में कुछ और प्लान भी चल रहे थे, जैसे चीन से सटे इलाकों पर कब्जा करना। इसके लिए बड़ी संख्या में सैनिक चाहिए, खेतों और फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ाना है और इसके लिए कामगारों की बड़ी संख्या चाहिए। 1949 से पहले कई दशकों तक चीन में अशांति थी। सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर और महामारी के चलते लोग कीड़े मकौड़ों की तरह मर रहे थे। स्थायी सरकार आने के बाद लोगों को इनसे निजात मिली। चीन में स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर हुईं, लोगों को बढ़िया इलाज मिलने लगा और इससे जीवन प्रत्याशा भी बढ़ने लगी। माओ को यह भरोसा था कि चीन की जनसंख्या चाहे कितनी भी बढ़ जाए उसके लिए संसाधनों की कमी नहीं होगी। उसने कहा था, दुनिया में इंसान से ज्यादा कीमती चीज कुछ भी नहीं। हालांकि माओ का ये कथन मानवीय हित से नहीं जुड़ा था। वो ये मानता था कि जितने ज्यादा लोग होंगे प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा, इसलिए जनसंख्या बढ़ने से फायदा ही फायदा है, ऐसा माओ का मानना था और इसी वजह से उसने जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगा दी। गर्भ निरोधक दवाओं का आयात बंद कर दिया। कई जगहों पर तो सरकार ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोपेगेंडा भी चलाया। फिर आया साल 1958 का। इस साल माओ के पहले एक्सपेरिमेंट की एंट्री हुई। इसका नाम है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। किसानों की जमीनों को नेशनलाइज कर दिया गया, किसानों को फसल उपजाने का कोटा मिला और उसी के आधार पर सरकार उन्हें खाना देती थी। किसान अपने ही खेतों में मजदूर बनकर रह गए। सरकार को बस नतीजे से मतलब था। स्थानीय अधिकारी कोटा पूरा करने के लिए बीज तक उठाकर ले जाते थे। रही सही कसर मौसम ने पूरी कर दी। पूरे देश में भयानक अकाल पड़ा और इसके चलते चीन में एक अनुमान है कि 4 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई। माओ के इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत खेतों के अलावा फैक्ट्रियों में भी काम चल रहा था। शहरों में तेज रफ्तार से स्टील बनाने पर जोर दिया जा रहा था। जब इसके लिए मजदूरों की कमी पड़ी तो किसानों को खेतों से उठाकर फैक्ट्रियों में भर्ती किया गया। उन्हें इस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। नतीजा ये हुआ कि माओ का औद्योगिकीकरण का प्लान भी चौपट हो गया। फिर इस नाकामी को लेकर माओ की आलोचना होने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर विरोध के स्वर उठे। कहा गया कि संख्या से अधिक जरूरी चीज है विशेषज्ञता, एक्सपर्टीज। उधर जनसंख्या अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी, लेकिन ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नाकामी ने संसाधनों की भारी किल्लत पैदा कर दी थी। सरकार को लगा
कि अब नहीं हो पाएगा। फिर 1970 में चीन ने फैमिली प्लानिंग की बात शुरू की, लोगों को दो बच्चों की लिमिट रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शुरुआती वर्षों में इसका असर भी देखने को मिला, चूंकि ये स्वैच्छिक था इसलिए ये प्लान फिर काम में आगे नहीं आया। फिर 1976 में माओ की मौत हो गई। उसके बाद के शासकों ने माओ की नीतियों को खारिज करना शुरू कर दिया। चीन की खराब आर्थिक स्थिति के लिए भी माओ को जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। चीन की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। माओ के कार्यकाल में चीन की पॉपुलेशन 54 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ हो गई थी। ऐसे में जनसंख्या नीति में बदलाव तय था और वही हुआ भी। 1978 में सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया, इसके तहत अधिकतम एक बच्चा पैदा करने की बात मनवाने के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया 1978 में, और फिर अगले साल वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया गया। इसे बढ़ावा देने के लिए कई प्रांतों ने अपने यहाँ अलग अलग तरह के प्रयोग किए। मसलन सिचुआन प्रांत में ऐसे कपल्स को अधिक राशन दिया जाता था जिन्होंने एक से ज़्यादा बच्चा पैदा न करने की शपथ ली हो। 1979 के साल में ही जिनके पास एक बच्चा था ऐसे कपल्स को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया गया ताकि वे और बच्चे पैदा ना करें। सरकार का इरादा था कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए ताकि संसाधनों की कमी ना हो। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1982 में चीन ने इसे अपने संविधान में शामिल कर लिया। इसमें कहा गया कि बर्थ कंट्रोल हर चीनी नागरिक का कर्तव्य है। इसके बाद सरकारी मशीनरी आक्रामक होकर अपने मिशन में जुट गई, और इसका खामियाजा ये हुआ कि सही मकसद से बनाई गई नीति चीन की जनता के लिए अभिशाप बन गई। कैसे, समझते हैं। चीन के समाज में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। जी, ये बीमारी और देशों में भी पाई जाती है। यहाँ मान्यता है कि लड़की पराया धन है, शादी के बाद वो दूसरे घर चली जाएगी, इसलिए बुढ़ापे में देखभाल के लिए लड़के ही काम आएंगे। वन चाइल्ड पॉलिसी से क्या हुआ, जिन कपल्स को पहली संतान लड़की होती थी वे या तो उसे मार देते थे या कहीं दूर छोड़ आते थे। उनका इरादा ये होता था कि सरकार को इसकी जानकारी हाथ ना लगे। ऐसे कपल्स तब तक लड़कियों को अपने से दूर रखते जब तक कि उन्हें लड़का नहीं हो जाता। उन बच्चियों का क्या हुआ उनके माता पिता को कभी मालूम नहीं चल सका। ऐसी कई बच्चियों को देह व्यापार में भी धकेल दिया गया। इसके अलावा इस पॉलिसी के चलते चीन के सेक्स रेशियो में भी भयानक असमानता आ गई। अगर किसी कपल के एक से अधिक बच्चे हुए और ये बात सरकारी अधिकारियों को पता चल गई तो वो पूरे दलबल के साथ धावा बोलते थे। जुर्माने की व्यवस्था थी जो लाखों में था। जो समर्थ थे वो तुरंत जुर्माना देकर बच्चों को बचा लेते थे। जो गरीब थे उनके पास कोई चारा नहीं होता, अधिकारी ऐसे बच्चों को अपने साथ ले जाते। एक से अधिक बच्चे पैदा करने पर नौकरी भी छीन ली जाती, कई मामलों में जेल भी भेज दिया जाता। जबरन गर्भपात और नसबंदी की व्यवस्था तो आम थी। एक अनुमान के मुताबिक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू रहने के दौरान लगभग 30 करोड़ गर्भपात कराए गए। जुड़वा बच्चे पैदा करने पर सरकार ने कोई नियम नहीं लगाया, क्योंकि इसमें तो आदमी औरत का कुछ से जोर नहीं है, प्रकृति का कमाल है। इसलिए लोग दवाओं या ऑपरेशन के जरिए एक साथ कई बच्चे पैदा करने की कोशिश करने लगे कि जुड़वा हो जाए किसी तरह से। इसका सीधा भार महिलाओं पर पड़ता था। महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर किसी का ध्यान नहीं था, और ये बात उनके लिए खतरनाक साबित हुई। आंकड़ों में इस बिंदु को, इस खतरे को चीन की सरकार ने गोल कर दिया। वन चाइल्ड पॉलिसी की आड़ में उइगर मुस्लिमों की मान्यताओं को भी खत्म करने की कोशिश की गई। चीन की सरकार पर आरोप लगते हैं कि उइगरों के नरसंहार की साजिश उन्होंने रची है। इस पॉलिसी ने, वन चाइल्ड पॉलिसी ने चीन की कई पीढ़ियों को कभी ना भूलने वाले दर्द दिए, और इनके छींटे आज भी उभर कर सामने आते हैं। क्या वन चाइल्ड पॉलिसी से सिर्फ नुकसान हुआ? नहीं, कई मायनों में फायदा भी हुआ। चीन अपने यहाँ जनसंख्या विस्फोट को काबू करने में कामयाब हुआ। लोगों को अधिक संसाधन उपलब्ध हुए, सरकार को नीतियां बनाने में आसानी हुई, और इसी वजह से चीन विकास की राह पर आगे बढ़ पाया। लेकिन इसके पीछे जो कीमत वहाँ के लोगों ने चुकाई, क्या वो जायज थी? क्या उसका कोई हल निकाला जा सकता था? विकास और मानवीय अधिकारों में से किसे चुना जाना चाहिए, ये सवाल तो हमेशा रहेगा। और आज हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? दरअसल चीन ने अपनी चाइल्ड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। उसने टू चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया है। अब वहाँ कपल अधिकतम 3 बच्चे पैदा कर सकेंगे। पोलित ब्यूरो की बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। और चीन को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि चीन में बूढ़े लोगों की आबादी लगातार बढ़ रही है। अनुमान है कि 2050 तक 1/3 लोग लेबर फोर्स से बाहर हो जाएंगे, यानी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। सरकारी इंसेंटिव पर उनकी निर्भरता बढ़ जाएगी। चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। अगर युवाओं की आबादी घटी तो इस पर भी बड़ा असर पड़ेगा। भारत में युवा आबादी अधिक है और चीन में कम। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए युवा शक्ति की जरूरत होती है, लिहाजा चीन चाहता है कि उसके यहाँ युवाओं की भविष्य में कमी ना हो।
चीन में अधिकतर लोगों के पास एक संतान है। वहां अब इस सिस्टम को मान्यता मिल चुकी है। हालांकि 2016 में चीन की सरकार ने टू चाइल्ड पॉलिसी लागू की ताकि जनसंख्या वृद्धि की दर को बढ़ाया जा सके, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ, उल्टा वृद्धि दर में कमी आ गई। इसकी एक और वजह है, चीन में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। शहरी लोग खुले माहौल में जीना पसंद करते हैं, बंदिशों से परे। शहरों में बच्चों की परवरिश महंगी होती है, इसलिए चीन की थ्री चाइल्ड पॉलिसी की सफलता पर संदेह है। चीन की मंशा पूरी होगी या नहीं, आने वाला समय बताएगा। हम फिलहाल ये बताएंगे कि बड़ी खबर पूरी हो चुकी है और अब सुर्खियों की बारी है। पहली सुर्खी इथियोपिया से है। इथियोपिया के उत्तरी हिस्से में एक प्रांत है टिग्रे। यहाँ नवंबर 2020 से लड़ाई चल रही है इथियोपिया की सेना और टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के विद्रोहियों के बीच। इस लड़ाई के चलते टिग्रे की 90% से अधिक आबादी दाने दाने को मोहताज हो गई है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि उन्हें मदद की सख्त ज़रूरत है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2 महीनों में अकाल की स्थिति होगी। और टिग्रे में इस टकराव की वजह इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं एबी अहमद अली, 2019 के नोबेल पीस प्राइज विजेता। नवंबर 2020 में उन्होंने आरोप लगाया कि इस विद्रोही फ्रंट ने सेना के एक बेस कैंप पर हमला किया। ये फ्रंट उस वक्त टिग्रे में सरकार चला रही थी और इसी के आधार पर अली ने टिग्रे पर हमला करने का आदेश दिया। सेना ने कुछ हफ्तों के भीतर ही टिग्रे पर कब्जा कर लिया और इसके बाद वो लूटपाट और शोषण में जुट गई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक टिग्रे के पास मौजूद अनाज का 90% हिस्सा या तो सेना ने लूट लिया या जला दिया। इसके अलावा लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हुए, उनके पास इनकम का सोर्स नहीं बचा। छिटपुट लड़ाई अभी भी जारी है। टिग्रे के विवाद पर हमने दुनियादारी में विस्तार से बात की थी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी सुर्खी अमरीका से। दुनिया की सबसे बड़ी मीट सप्लायर कंपनी JBS पर साइबर अटैक हुआ। कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया गया और इसके चलते अमेरिका में इस कंपनी के सभी प्लांट्स को पूरी तरह बंद करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी कंपनी के कुछ प्लांट्स में काम प्रभावित हुआ है। JBS ने कहा है कि सिस्टम सुधार लिया है, 2 जून से काम शुरू हो जाएगा। JBS ब्राजील की कंपनी है। अमेरिका समेत 15 देशों में इसके प्लांट हैं। अमेरिका ने कहा इसके पीछे रूस के हैकर्स का हाथ है। FBI को घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। पिछले एक महीने में अमेरिका में साइबर अटैक की ये दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले मई 2020 में एक तेल पाइपलाइन पर साइबर अटैक हुआ था, जिसके चलते अमेरिका के कई इलाकों में पेट्रोल, डीजल और जेट ऑयल की सप्लाई बंद हो गई थी और तब कंपनी ने लगभग 30 करोड़ की रकम देकर हैकर से पीछा छुड़ाया था। आज की तीसरी सुर्खी कोरोना महामारी से जुड़ी है। WHO ने चीन की दूसरी कोरोना वैक्सीन सिनोवैक को अप्रूव कर दिया है। इससे पहले मई में सिनोफार्म को इमरजेंसी अप्रूवल मिला था। चीनी वैक्सीन को अप्रूवल देने के पीछे मकसद है कोवैक्स प्रोग्राम में तेजी लाना। चीन ने कहा है वो इस साल के अंत तक कोवैक्स के लिए 3 अरब डोज तैयार कर देगा। कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग स्कीम है। इसके तहत अल्प विकसित और विकासशील देशों को वैक्सीन की मदद पहुंचाई जा रही है, क्योंकि इन देशों के पास खुद से वैक्सीन की प्रोडक्शन या स्टोरेज के लिए ज़रूरी संरचना की कमी है। इस मामले में सिनोवैक WHO को लगता है कि उनका मददगार होगा, क्योंकि इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर किया जा सकता है, यानी सामान्य फ्रिज से काम चल जाएगा। ये तो हुई वैक्सीन के अप्रूवल की बात, अब असर की बात कर लेते हैं। एक अच्छी खबर ब्राज़ील से है। यहाँ एक शहर है सेहाना, लगभग 45,000 की आबादी। फरवरी से अप्रैल के बीच सेहाना में 75% से अधिक वयस्क आबादी को कोरोना का टीका लगाया गया। नतीजा क्या आया, कोरोना से होने वाली मौतों में 95% की कमी, हॉस्पिटलाइजेशन 86% घट गया और लक्षण वाले मामले 80% तक कम हो गए। संक्रमण के फैलने की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। रिसर्चर्स ने दावा किया कि अगर 75% आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाए तो इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है। सेहाना में सिनोवैक की वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया था। आज की दुनियादारी में इतना ही, कल फिर मिलने की उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभरात्रि।